दोस्तों बहुत दिनों से सोच रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए। अब चूंकि लॉकडाउन है पूरा और समझ नहीं आ रहा कि यार किस किस टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं घर में बैठ के वीडियोस बना सकता हूं, तो फिर आज ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया और मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ इस टॉपिक को शेयर करूँ दोस्तों। तो आज का वीडियो है दोस्तों, अगर 2020 में आपके पास में एक बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा होना चाहिए और क्यों मैं इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ इसे। तो सोचा क्यों ना इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करूं, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया आएगा। एक छोटा सा मैं डेमो भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है। सो सभी बिगनर फोटोग्राफर्स और सभी फोटोग्राफर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का नाम है कैप्चर 120 और ये जो दोस्तों सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को आप देखेंगे वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं सॉफ्टवेयर के, ना केवल आप अपनी इमेज को अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, बल्कि आप इसके साथ अपनी टेदर शूटिंग है वो भी आसानी से कर लेते हैं। सो मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर है। मैं आपको इतना बता दूँ दोस्तों कि फेज़ वन के बारे में आपने सुना होगा, कई लोगों को शायद ना मालूम हो, बट फेज़ वन जो है बेसिकली मीडियम फॉर्मेट्स कैमरा बनाती है। इनके जो कैमराज हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। मीडियम फॉर्मेट कैमराज मतलब जो अपने जो हम कैमराज यूज़ करते हैं वो सारे कैमरा होते हैं 35mm के, चाहे वो निकॉन हो, सोनी हो, कैनन हो, या फिर और भी कई ब्रांड्स हैं, या हम लोग APS-C सेंसर, फुल फ्रेम सेंसर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे 35mm के कैमराज होते हैं। लेकिन ये जो मीडियम फॉर्मेट कैमरा होते हैं ये उससे बड़े होते हैं, इनका सेंसर साइज़ जो है फुल फ्रेम से भी बड़ा होता है, तो वहाँ पर जो डिटेलिंग है वो और भी ज़्यादा अच्छे से कैप्चर होती है। थोड़ा महंगा सिस्टम आता है। तो ये इस फेज़ वन का ही बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, बट इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये है कि जितने भी कैमराज हैं, मोस्टली जितने भी कैमराज अवेलेबल हैं, सभी मॉडल्स अवेलेबल हैं, चाहे किसी भी ब्रांड की हो, वो इस कैप्चर 120 के साथ में जो है बराबर से वो उनके लिए उन्होंने जो है सारा एल्गोरिदम बनाया हुआ है, ताकि वो सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस वो सारे जो कैमराज हैं वो इस सॉफ्टवेयर के साथ अच्छे से काम कर सके। सो ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही काम का है दोस्तों। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है पहले मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना ये जाना है, देखिए phase1.com की वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सपोर्ट, तो आपको सपोर्ट पे करना है क्लिक। जैसे ही आप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सपोर्ट ओवरव्यू के अंदर नीचे दिखाई देगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड में जो है आपको जाना है, और यहाँ पर आप जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि भाई आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक है या विंडोज़ है। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो आप विंडोज़ वाला वर्जन जो है डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आप मैक वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सॉफ्टवेयर है 30 डेज़ के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, उसके बाद ये पेड वर्जन है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग भी घर पे हैं मेरी तरह, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का, इस पर प्रैक्टिस करने का, बिकॉज 30 डेज़ आपको एक रुपया भी नहीं देना है, आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर वाकई बहुत काम का है तो आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन जो आप मंथली भी पे कर सकते हैं, जैसे कि आप फोटोशॉप या और अदर सॉफ्टवेयर्स पे करते हैं, वैसे आप इसको ले सकते हैं। इसकी जो खास बात मुझे लगी कि दोस्तों कि जो भी आप रॉ इमेजेस आप शूट करते हैं वो ये बहुत ही अच्छे से प्रोसेस करता है। इसमें कमाल के टूल्स हैं जिससे आप हर चीज़ को जो है दोस्तों हैंडल कर सकते हो। मैं कभी डेमो आपको दिखाने ही वाला हूँ। और उसके अलावा आपको टेदर शूटिंग करनी, यानी कि आपका जो कैमरा है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है इस सॉफ्टवेयर के साथ, चाहे वो आपके लैपटॉप पर डाउनलोड हो सॉफ्टवेयर या आपके डेस्कटॉप पर, आप बहुत आसानी से जो है टेदर शूटिंग कर पाते हैं, जिससे जब भी आप अपनी शूट करें तो आप लाइव इमेजेस जो है उस पर देख पाएंगे। तो इसके काफ़ी मल्टीपर्पज़ हैं। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको, जैसे कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा या आप करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं अब आगे की चीज़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है अपने लैपटॉप में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है, और अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो आप देखिए पूरा, ताकि आपको छोटा सा एक ओवरव्यू मिले, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा। इससे रिलेटेड कुछ सवाल हो तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए डेमो देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अब मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कैप्चर 120 ऊपर देखिए इस तरह से मैं यहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप जाएंगे अबाउट कैप्चर 1 में, यहाँ देख पाएंगे कि लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा आ चुका है, और बस इस तरह से आपको चेक करना जब आप डाउनलोड कर लें। और आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर पूरा मेन्यू है इस तरह से, काफ़ी सारे आप अभी आपको थोड़ा नया लग रहा होगा दिखने में, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ईजी है।
और अगर आपको इन टूल्स के बारे में नहीं पता तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाया जहां पर मैंने कैप्चर वन उसका जो 11 वाला वर्जन था वो मैंने पूरा एक डेढ़ साल पहले वीडियो बनाया था, तो वहां मैंने आपको जो भी टूल्स आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में किस तरह से काम करते हैं, हालांकि छोटा सा डेमो आपको दिखाऊंगा लेकिन वो डिटेल वीडियो है 40 मिनट का, पूरा देखिए जहां पर आपको सारे इसके टूल्स के बारे में मैंने अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है। और इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट में मैंने क्लिक किया है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आईसीसी प्रोफाइल, मेरे कैमरा का नाम, और यहाँ आप देख पा रहे हैं वाइट बैलेंस कितना रखा हुआ है, टिंट कितना है, कलर बैलेंस है। और थोड़ा सा अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो आप देख पाएंगे कि भाई यहाँ पर जो है ये देखिए पूरा इस तरह से कलर बैलेंस, यहाँ पर आप कलर एडिटर, बहुत सारे इसके अंदर टूल्स हैं जो आपको बेनिफिट देंगे। मैं एक छोटा सा भी आपको डेमो दिखाऊंगा। और सबसे पहले जो है देखिए जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैं अभी थाईलैंड की ट्रिप पे मैंने एक इमेज लिया था, एक फॉरेन टूरिस्ट का पोर्ट्रेट लिया था। अभी ये मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा देखिए, और यहाँ मैं बनाऊँगा एक क्लोन वेरिएंट। तो क्लोन वेरिएंट से क्या मतलब है, देखिए ये बना लिया ने, वन इधर वन दिखाई दे रहा है, इधर टू, यानी कि ये तो ओरिजिनल इमेज है और ये जो टू नंबर का इमेज है इस पर मैं अभी काम करूँगा। और सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है दोस्तों, जब आप क्लोन वेरिएंट बनाते हैं तो आप दोनों इमेजेस को मैच करके देख सकते हैं कि कितना आपका इमेज में कितना फ़र्क आया है। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे देखिए ऊपर, मैं क्लिक करूँगा एक्सपोजर पे, यहाँ मैंने एक्सपोजर पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से जो है ये पूरा एक साइड में मेन्यू दिखाई दे रहा है, एक्सपोजर, हाई डायनेमिक रेंज। तो हाई डायनेमिक रेंज का जो आप पूरा एडवांटेज ले सकते हैं क्योंकि ये इमेज मैंने शूट की है रॉ पे भी मैंने शूट किया था, बिल्कुल इसे न्यूट्रल पे रखा था क्योंकि मैंने निकॉन D800E पर शूट किया, तो उसमें न्यूट्रल का ऑप्शन है, मैंने न्यूट्रल पे शूट किया था। तो अब देखिए मैं इसको किस तरह से जो है हाई डायनेमिक रेंज का बेनिफिट लेता हूँ और इमेज जो है एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी, बिकॉज कैप्चर 120 जो है वो इतना कमाल का सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एकदम। तो यहाँ मैं देखिए हाई डायनेमिक रेंज में ब्लैक जो है थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, प्लस में लेके जा रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये करीब मैंने रखा है ऑलमोस्ट 8, और वाइट जो है इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, करीब 10 रखा है मैंने वाइट। और इसके बाद जो है मैं शेडो पे जाऊँगा और शेडो को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगा, देखते हैं शेडो से कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए शेडो मैं लेके आया हूँ थोड़ा ऊपर, अब देख रहे हैं आप कितना चेंज आने लगा है, ऑलमोस्ट मैंने जो है शेडो ये कर दिया है करीब 45 दिखा रहा है, ये 45 के आसपास, और भी थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं ताकि पूरा एडवांटेज दें अपने हाई डायनेमिक रेंज का। तो लगभग मैं इसे कर लेता हूँ, चलिए ये 76 तक मैं लेकर गया हूँ। तो आप देख रहे हैं काफ़ी फ़र्क आ गया है, ये देखिए ये इमेज एक्चुअल है ये जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरा हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स मैं थोड़ा सा माइनस में लेके जाता हूँ यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो करीब -8 मैंने लिया हाइलाइट्स। अब आते हैं हम एक्सपोजर पे ऊपर इसके, अब एक्सपोजर जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं लेके जाऊँगा सैचुरेशन, तो मैं सैचुरेशन का जो है कलर ग्रेडिंग करने का बहुत ही मज़ा है इसमें, मैं सैचुरेशन थोड़ा हाई करता हूँ, तो आप देखिए मैंने करीब कर दिया इसे 22, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ मैं इसे 25, तो आप देखिए कलर्स एकदम जो है रिकवर, एक देखिए कलर्स कितने अच्छे से निकल के आ रहे हैं पूरा, नाउ यू कैन सी द इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द इमेज। और कॉन्ट्रास्ट जो है वो मैं अभी कर लेता हूँ थोड़ा करीब लेके जाता हूँ इसको भी ऊपर, ताकि इमेज जो है थोड़ी सी और हमें सटल मिले, और ये देख लीजिए मैंने करीब 14 कर दिया है कॉन्ट्रास्ट। नाउ दिस इज़ द ओरिजिनल इमेज, दिस इज़ आफ्टर प्रोसेसिंग इन कैप्चर 120। नाउ एक्सपोजर जो है ये थोड़ा सा मैं कम करूँगा, तो आप देखिए हल्का सा मैं कम नीचे माइनस में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा काफ़ी माइनस हो गया देखिए, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप एक बार आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप देख पाएंगे। ये देखिए तो मैंने -0.22 कर दिया अभी, सो एंड आफ्टरवर्ड्स हम थोड़ा सा देखिए नीचे जाएंगे यहाँ पे, ये आप देख पा रहे कर्व्स, तो यहाँ पर जो है RGB थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्ले करूँगा RGB के साथ, और देखते हैं कि किस तरह का इमेज हमें मिलता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा देखिए RGB लेकर गया हूँ ऊपर इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा मैं RGB को, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा देखिए इस तरह से, सो दिस इज़ लुकिंग मच बेटर। एंड यहाँ पे हम जो है लूमा की सेटिंग, अब ये सारे जो टूल्स हैं मैं अभी जो वर्ड्स दे रहा हूँ शायद आपके लिए बिल्कुल नए लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इसका इसको डाउनलोड करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए लूमा मैंने सेट कर लिया देखिए इस तरह से, तो आप देख रहे जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको सारे टूल्स के बारे में अच्छे से पता चलेगा। पूरा वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाया मैंने इसके पूरे टूल्स के ऊपर, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसके सारे टूल्स भी अच्छे से देख पाएंगे। नाउ दिस इज द इमेज फ्रेंड्स, नाउ दिस इज
बिफोर एक्चुअल रॉ इमेज, दिस इज आफ्टर प्रोसेसिंग इन कैप्चर 120। और इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा वाइट बैलेंस को चेक करना है, चेंज करना है, तो यहाँ से जो है आप देख पा रहे, देखिए ये वाइट बैलेंस है, यहाँ पर आप केल्विन है, अभी 7929 पे रखा था क्योंकि ये काफ़ी रात का टाइम था जब मैंने शूट किया था। यहाँ से आप इसको देखिए इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं अपनी टेस्ट के और अपने एस्थेटिक सेंस के हिसाब से। और यहाँ पर आप टिंट जो है वो भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने एस्थेटिक सेंस के हिसाब से। अभी मैं इसको जो है वापस रीसेट कर देता हूँ जितना था। सो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं दिस इज द एक्चुअल इमेज जो मेरा न्यूट्रल पे मैंने रॉ पे शूट किया था, एंड दिस इज आफ्टर प्रोसेसिंग। तो दोस्तों ये जो है सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके अलावा कलर बैलेंस है, यहाँ से मैं अगर चाहूँगा देखिए मास्टर, तो ये कलर बैलेंस से भी मैं और कलर्स यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकता हूँ मेरे टेस्ट के हिसाब से और जो मेरा शॉट है उसके हिसाब से। तो जिस तरह से भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे भी रीसेट कर देता हूँ। सो दोस्तों ये छोटा सा डेमो था मैंने आपको ये सिखाने के लिए कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही काम का है और दुनिया भर के प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं अपनी रॉ इमेज को प्रोसेस करने के लिए। और आपने देखा हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 5 मिनट के अंदर हमारी जो इमेज है देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँच गई। तो ये था एक छोटा सा डेमो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी जो है प्रोसेसिंग पसंद आई होगी रॉ इमेज की और आपने देखा कि कितना हमारी इमेज के अंदर फ़र्क आ गया। और बस ये एक छोटा सा डेमो था ताकि आप समझ सकें कि भाई इस सॉफ्टवेयर की पावर क्या है। देखिए ये एक छोटा सा वीडियो है लेकिन ये इसमें बहुत सारे टूल्स हैं हर तरह के फोटोग्राफर्स के लिए, चाहे वो फैशन फोटोग्राफर्स हों, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स हों, लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हों, या फिर आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करते हों, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हो, किसी भी तरह का जॉनर हो आपका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरत है आपको इस सॉफ्टवेयर को सीख कर और इसके ऊपर काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने की। आई एम श्योर कि आपको उसके बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे और ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल जो है ना यार वो सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो ना तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा लगता है कि यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा उसका हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।